स्टूडेंट लेसन नंबर फर्स्ट हाउ वेन एंड वेयर स्टूडेंट विल बी अबाउट हिस्ट्री इन इंट्रोडक्शन इतिहासिक परिचय हमें इसके बारे में जानना है इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स हिस्ट्री में जो दिनांक है वह कितनी महत्वपूर्ण है पीरियडाइजेशंस हमारे लिए काल गणना करना कॉलोनाइजेशन उपनिवेशवाद हाउ डू वी नो अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास इंफॉर्मेशन के क्या क्या सोर्स हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल रिकॉर्ड्स सो बच्चों हम इन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा करें हिस्ट्री इन इंट्रोडक्शंस हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इतिहास जो है वह हमारे पास्ट का अध्ययन माना जाता है स्टडिंग हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू द अंडरस्टैंड अवर पास्ट यदि हमारे अतीत को हमें समझना है तो इसके लिए हमें इतिहास का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है विच इन टर्न अलाउ अंडरस्टैंडिंग अवर प्रेजेंट अगर हम अपने पास्ट का अतीत का अध्ययन करते हैं तो हम हमारे वर्तमान को समझ सकते हैं इफ़ वी वॉन्ट टू नो अबाउट वे अवर वर्ल्ड इज द वे इट इज़ द टूडे यदि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है यह पहले कैसा था वी हैव टू लुक टू हिस्ट्री फॉर तो इसके लिए हमें हमारे इतिहास की ओर मुड़ना पड़ेगा आंसर इसके उत्तर के लिए हमें इतिहास की स्टडी करनी पड़ेगी इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट्स इतिहास में हिस्ट्री में जो पास्ट की घटनाएं उन सभी को रिकॉर्ड किया गया है वी कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक दैट वी हैव डन हमने क्या मिस्टेक करी थी और हम कैसे इन मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं बाय एनालाइजिंग द मिस्टेक वी कैन अवॉइड देम इन द फ्यूचर कि आने वाले समय में हम वो सारी मिस्टेक नहीं करें फॉर एग्जांपल बाय एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन जापान वी कैन अवॉइड सच क्रूल एक्ट्स इन द फ्यूचर जिस तरह से जापान के लोगों ने अपने इतिहास के माध्यम से सीखा और वहाँ पर किसी प्रकार का वो क्राइम नहीं होने देते हैं और ऐसी व्यवस्था अपनाई कि भविष्य के लिए किसी प्रकार की उनको परेशानी ना हो सो स्टूडेंट्स आज इफ़ वी हैव द बेसिस नॉलेज अबाउट द इन्वेंशन एंड डिस्कवरी मेड इन द पास्ट कि हमारे पास्ट में कैसी कैसी क्या क्या यहाँ पर इन्वेंशन हुए थे उन सारी चीज़ों के ऊपर हम पढ़ेंगे इट विल बी ईजी यह हमारे लिए आवश्यक हैं और इजी है फॉर अस टू डेवलप थिंक देन टू स्टार्ट इट फ्रॉम द इंटेलियन स्टेज वी आर नाउ ट्रेवलिंग इन द मैटर्स एंड द बुलेट ट्रेन किस तरह से बुलेट ट्रेन चलाइए दिस ऑल आर द डेवलप्ड वर्जन ऑफ द ट्रेन दैट वाज इन्वेंटेड इन यूनाइटेड किंगडम इन 1804 बाई रिचार्ड ट्विंक ए ब्रिटिश इंजीनियर बॉर्न ऑफ द कॉर्नवाल जिसका जन्म 1804 में रिचार्ड ट्विंकवाल जो है रिचार्ड ट्विंकवेल जो एक ब्रिटिश इंजीनियर थे जिनका कॉर्नवाल में जन्म हुआ था सो बच्चों समझ में आया नाउ वी आर फॉलोइंग ए वेरी डिफरेंट लाइफ स्टाइल एंड मैनी प्रैक्टिस दैट हैड बिन फॉलो इन द एशियन टाइम आर लॉन्ग फॉरगॉटन यानी कि हम लंबे समय तक बहुत सारी मान्यता बहुत सारी प्रथाओं को मानते थे वी कैन फॉलो क्रेटन प्रैक्टिस लाइक प्रैक्टिसाइज योगा एंड मेडिसिन टू लेड ए हेल्दी लाइफ हम प्राचीन समय में किस तरह से योग करते थे और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करते थे थॉट हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट इज़ द हेल्प अस इन द शेपिंग द प्रेजेंट इस तरह से हम इतिहास का अध्ययन करके हमने प्रेजेंट को सुधार सकते हैं इट हेल्प अस नोन अबाउट हाउ पास्ट हैज़ हेल्प अस एंड हाउ कैन वी शेप अवर फ्यूचर की ओर हम हमारे फ्यूचर को सुधार सकते हैं Moreover, we ourselves make history every day. It is the important for us to know about our past, how the countries, oceans, mountains, rivers, valleys and plains are formed to know about how we evolved. हम हमारे देश हमारे महासागर oceans means महासागर्स mountains पर्वत rivers यानी नदी valleys एंड प्लान्स वैलीज का मतलब यहाँ बच्चों का घाटी प्लेन्स मैदान आर फॉर्म वो किस तरह से बने टू नो अबाउट
हाउ वी अलाउड, इन सब को समझ सकते हैं और हमारे लिए कितना आवश्यक है। इसके लिए आप ध्यान लगाकर पढ़ें। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी तरह से समझा होगा और मैं विश्वास करता हूँ कि आप आने वाली अगला जो हमारा पॉइंट है उस पर भी इसी तरह से ध्यान दें। सो थैंक्स।